दोस्तों, घोड़े को बहुत ही समझदार और इंसान का साथ देने वाला जानवर माना जाता है। घोड़े की कुछ अलग खासियत की वजह से लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और ये इंसानों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। मेहनती होने के साथ साथ ये जानवर घमंडी भी होता है, इसीलिए ये अपने आप में ही मस्त रहता है। लेकिन एक औरत का हर समय घोड़े के साथ रहना, उसके साथ खेलना कूदना उसके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि घोड़े के साथ रहने वाली औरत के घोड़े की कीमत एक राजा भी ना लगा सका। ये औरत किसी भी कीमत पर अपना घोड़ा बेचने को तैयार ना थी, तो फिर इसके पीछे का कारण क्या था और ये घोड़ा उस औरत के लिए इतना खास क्यों था और उस औरत का उस घोड़े के साथ क्या रिश्ता था और ये राजा उस घोड़े की मुंह मांगी रकम देकर उसे क्यों खरीदना चाहता था, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं ये सारी कहानी। दोस्तों, ये कहानी आजादी से बहुत पहले की है, जब राजाओं का राज हुआ करता था। उस समय कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी और ये लड़की अपनी खूबसूरती के कारण पूरे गांव में मशहूर थी। इसके साथ ही इस लड़की के पास बहुत ही सुंदर और सबसे अच्छी नस्ल का एक घोड़ा था और गांव के लोगों ने कई बार उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने घोड़े को कभी नहीं बेचा। तो वहीं दूसरी तरफ उस गांव का राजा भी घोड़े का बहुत बड़ा शौकीन था। उसके पास भी अच्छी से अच्छी नस्ल के घोड़े थे जिस पर बैठकर वो शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन राजा के सिपाही ने राजा को बताया कि आपके राज्य में एक लड़की है जिसके पास दुनिया का सबसे अच्छी नस्ल का खूबसूरत घोड़ा है, जिसे उस लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं है। ये सुनते ही राजा ने उस घोड़े को दरबार में लाने का आदेश दे दिया और जब सिपाही उस लड़की के पास पहुंचे तो उस लड़की ने घोड़े को देने से मना कर दिया। जब भी ये खबर राजा को पता लगी तो राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये राजा एक नेक दिल आदमी था, इसलिए उसने दोबारा अपने सिपाहियों को भेजा कि वो पूरे सम्मान के साथ उस लड़की और घोड़े को दरबार में आने के लिए विनती करे, जिसके बाद वो लड़की मान जाती है और राजा के दरबार में अपने घोड़े को लेकर पहुंच जाती है। राजा उस घोड़े को देखकर उसका दीवाना हो जाता है और वो उस लड़की को उस घोड़े की मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाता है। लेकिन वो लड़की राजा को कहती है कि अगर आप अपना पूरा राज्य भी मुझे दे दे तब भी मैं इस घोड़े को आपको नहीं दूंगी, और जिस पर राजा कहता है कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है, तो लड़की कहती है कि ये घोड़ा मेरा पसंदीदा घोड़ा है। और फिर राजा कहता है कि चलो तुम आज के शिकार के लिए अपना ये घोड़ा मुझे दे दो। अब जिस पर लड़की कुछ देर सोचने के बाद मान जाती है और राजा से इसके बदले में एक शर्त रखती है कि जब आप शिकार से लौट कर आओगे तो आपको इसे राज्य का घोड़ा घोषित करना होगा। लड़की की शर्त को राजा मान जाता है और इस घोड़े पर बैठकर वो शिकार करने के लिए निकल जाता है। राजा के कुछ सिपाही भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब राजा जंगल में पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा नहीं रुका। घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से आगे भागता जा रहा था और वो राजा के सिपाहियों को पीछे छोड़ देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह पर जाकर रुकता है जहां पर बहुत सारे सुंदर फूल, फल और नदियां थी। वहां का बहुत खूबसूरत नजारा था जिसे देखकर राजा को बहुत सुकून महसूस हुआ। इन सभी नजारों को देखकर उसका दिल बहुत खुश हुआ और राजा को यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी जिंदगी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि वहां का माहौल इतना शांत था जिसे देखकर उसका मन और दिमाग काफी शांत हो गया था। और वहां पर शिकार के लिए राजा के पसंद के जानवर भी मौजूद थे। इस घोड़े को देखकर राजा को महसूस होता है कि यह घोड़ा बहुत ही समझदार है, क्योंकि ये घोड़ा राजा को अपने आप इस जगह पर ले आया था, जिसके बाद राजा ने वहां पर बहुत शिकार किया और वहां के फल भी खाए। और वापस आकर राजा ने ये घोड़ा उस लड़की को सौंप दिया। राजा ने एक बार फिर से उस लड़की को घोड़े को बेचने का ऑफर दिया, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। और फिर वादे के मुताबिक राजा ने उस घोड़े को शाही घोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन इसके साथ ही राजा के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि लड़की का आखिर इस घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। लड़की और घोड़े के बारे में उस गांव में ये बात भी फैली हुई थी कि लड़की के घोड़े के साथ नाजायज संबंध है, और कई बार गांव के लोगों ने खुद ब खुद सुबह सुबह घोड़े के साथ जंगल में जाते हुए उस लड़की को देखा है। और जब इस बात का राजा को पता चला तो राजा ने अपने राज्य के जासूसों को इस लड़की के पीछे लगा दिया। और जब जासूसों ने देखा कि ये बात तो सच है और जब लड़की जंगल से वापस आ जाती है तो उसके हाथ में शिकार किए हुए जानवर और फल भी होते हैं, और ये सब बात जब राजा को पता चलती है तो राजा को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद राजा ने सीधा ही उस लड़की से पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो, तो लड़की ने अपने इस राज से पर्दा हटाते हुए कहा कि वो इस जंगल में पैदा हुई है। उस लड़की के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो इन्हीं जानवरों के बीच पलकर बड़ी हुई है और उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार है।
लेकिन एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग उसे अपना एक घोड़ा देकर चले गए। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम इस घोड़े का ध्यान रखना और ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। जिसके बाद मैं सभी जानवरों से ज्यादा इस घोड़े का ख्याल रखने लगी और उसके बाद जब ये बड़ा हुआ तो ये मेरा ध्यान रखने लगा। उसके बाद से घोड़ा मुझे हमेशा ऐसी जगह ले जाया करता जहां पर शिकार और फलों की भरमार होती थी और मैं वहीं से फलों की टोकरी और शिकार किए हुए जानवर लेकर आती हूँ और फिर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। जिसके बाद सभी को पता लगा कि आखिर इस लड़की और घोड़े के बीच क्या रिश्ता है। और दोस्तों ये रिश्ता वफादारी और प्यार का था। और दोस्तों इस कहानी से मालूम पड़ता है कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करेंगे तो उससे धोखा मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप एक जानवर से प्यार करोगे तो बदले में आपको मोहब्बत ही मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।